हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवी दासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम झटपट से बनने वाली और आसान तरीके से एक फलाहारी चटनी बनाना सीखेंगे। यह चटनी साबूदाना वड़ा, पनीर बाइट्स या राजगीरा पराठा या पेटिस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप मूंगफली के दाने भून लिए हैं और उसके छिलके निकाल दिए हैं। अगर आप छिलके के साथ ही मूंगफली डालेंगे तो चटनी का कलर चेंज हो जाएगा। अब हम मिक्सी का जार ले लेंगे। उसमें मैंने मुट्ठी भर या फिर 1 कप धनिया पत्ते लिए हैं और 1/4 कप हमने जो रोस्ट करके रखे थे वो मूंगफली के दाने, 1/2 इंच अदरक, 3 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच नींबू का रस और 1/4 कप पानी लिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर हम एक पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ पर चटनी को ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी स्वादिष्ट चटनी तैयार है। यहाँ पर हमारी फलाहारी चटनी तैयार है, जिसे हम साबूदाना वड़ा के साथ सर्व करेंगे। तुलसी पत्र रखकर हम भगवान जी को भोग अर्पण करेंगे। यहाँ पर हमने फलाहारी चटनी को साबूदाना वड़ा के साथ भोग लगा दिया गया है। अब हम इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप भोगा रेसिपीज देखना चाहते हैं तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको सभी रेसिपीज मिलती रहे। अगर आप भोगा रेसिपीज इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो YouTube पर कृष्णास क्यूजिन पर देख सकते हैं। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।